नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरीश सर और एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कर रहे हैं स्पोर्ट मटेरियल 2019-2020 क्लास 10 मैथमेटिक्स, और ये जो अब आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले उसमें काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 17 करने वाले हैं, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व 4x, x के लिए सॉल्व करना है, और इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर लिखा a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, और ए बी एक्स की वैल्यू भी जीरो के इक्वल नहीं आएगी, और ये CBSE के एग्जाम जो हुए थे 2005 की उसके अंदर इसको दिया गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलो चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है और इसको करना शुरू करते हैं। सोल्व, मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, ए वन बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम करने क्या करने वाले हैं, इस एक्स को ना आप इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, इसके साथ ज्वाइन कर लें। आइए वन बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया वन बाई एक्स। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर रह गया वन बाई ए प्लस वन बाई बी। ठीक है, आइए आगे करते हैं। अब हमें करना क्या, अब एलसीएम ले लेना है बच्चों। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने का तरीका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर ये एक्स को वन से कर दीजिए और ए प्लस बी प्लस एक्स को इस वन से कर दीजिए। आइए एक्स को वन से कर देते हैं, तो एक्स आ गया, ये माइनस का साइन लगाएंगे, और इधर ये ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा नंबर है, तो ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को ए के साथ किया तो ए एक्स बन गया, बी को एक्स के साथ किया तो बी एक्स बन गया, और एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर बन गया इज इक्वल। ठीक उसी तरह इनका भी एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा, और बी को वन के साथ करेंगे बी, और प्लस ए को वन के साथ करेंगे तो ए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आइए आगे इसको कर लेते हैं। देखिए बने रहे मेरे वीडियो पर, तो एक्स, आइए ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट के अंदर प्लस का, तो खुलने के बाद ये आ गया बच्चों माइनस का हो गया, और बी भी माइनस का हो गया, चेंज हो जाएगा, और एक्स भी चेंज हो गया माइनस में इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले बड़ी पावर को लिख लेता हूँ, फिर प्लस ए एक्स लिख लेते हैं, और प्लस बी एक्स लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, तो प्लस में आगे पीछे नंबर लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ए प्लस बी लिख लेता हूँ, और यहाँ पर ए बी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या बचता है, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस ए माइनस बी, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल ए प्लस बी बाई ए बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूँ इसको, यहाँ पे माइनस के साइन को कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन लेंगे तो फिर ये प्लस का हो जाएगा ए प्लस बी इस तरीके से। आइए मैं लिख लेता हूँ इधर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये तो यू का यूँ लिखना है, और इज इक्वल यहाँ पर ए प्लस बी बाई ए बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों के न्यूमेटर एक तरीके से यहाँ पर ये सेम है, इनको हटा दीजिए आप, हटाने पर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ पर माइनस वन। ठीक है, अगर हम हटाते इधर क्या बच जाएगा वन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और इक्वल वन बाई ए बी, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यहाँ पर इस इक्वेशन को इस वन के साथ करते हैं। आइए मैं इधर कर लेता हूँ, तो वन से मल्टीप्लाई करने पर सेम यू का यू आएगा, तो एक्स स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी एक्स और इक्वल ए बी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आइए इसको नीचे कर लेते हैं, ए बी को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और इधर आकर ये प्लस ए बी हो गया और इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर वन टू थ्री फोर टर्म आ गए, तो हम इसमें से पेयर बनाकर कॉमन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, x के लिए सॉल्व करना, तो x ही बाहर निकालेंगे, तो x आ गया,
और यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर रह गया एक्स और प्लस यहां पे रह गया ए, तो प्लस का साइन आ जाएगा इधर, दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो बी आ रहा है, तो बी ले लेते हैं और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए, आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, तो एक तो जो ब्रैकेट में दिया एक तो उसको लिख लीजिए और एक जो ब्रैकेट से बाहर है उसको लिख लेते हैं और जीरो के इक्वल ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू निकाले तो ये देखिए प्लस ए है, इधर आकर ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस बी है, इधर आकर ये माइनस बी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो देखा बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था आपके लिए, और इसमें से सीखकर आप दूसरों को जरूर सिखाना बच्चों, और तब आप जब आप सिखाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी और आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।